हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज सनीम एरिया। फ्रेंड्स, आई होप यू आर डूइंग वेरी वेल। सो आज का टॉपिक है मेजरमेंट एंड इवोल्यूशन इन एजुकेशन, शिक्षा में मापन तथा मूल्यांकन। और एग्जामिनेशन पेपर आपका 2020 का, और मैक्सिमम मार्क्स आपके 50, और टाइम आपका 2 आवर्स। सो फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट हिट द बेल आइकन। जो भी नई वीडियो आएगी सबसे पहले आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो आपका पहला क्वेश्चन है, मापन सहायक है --? ऑप्शन डी, इन सभी में। क्वेश्चन नंबर आपका 2, सांख्यिकी किसी जांच विभाग से संबंधित तथ्यों के संख्यात्मक विवरण है जिन्हें एक दूसरे के संबंध में रखा जा सकता है, यह कथन किसका है? ऑप्शन सी, A.L. बाउले। क्वेश्चन नंबर आपका 3, निम्नलिखित में से बेमेल कौन है? ऑप्शन सी, मानक विचलन। आपका क्वेश्चन नंबर 4, यह कथन किसका है, मानक विचलन विचलनों के वर्गों के मध्यमान का वर्गमूल है? यह है आपका फगुरसन। क्वेश्चन नंबर आपका 5, काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड वर्ड है फगुरसन, एंड कभी कभी मिसप्रनाउंस हो जाता है बोलने में फ्रेंड्स, सो उसके लिए सॉरी। क्वेश्चन नंबर आपका 5, मापन के कौन से स्तर में शून्य समाहित है? ऑप्शन डी, आनुपातिक। क्वेश्चन नंबर आपका 6, परीक्षा की विश्वासता बढ़ाने के लिए मदों की संख्या बढ़ाने का क्या प्रभाव पड़ता है? ऑप्शन सी, धनात्मक। क्वेश्चन नंबर आपका 7, अनुमान से उत्तर देने की सबसे अधिक संभावना होती है? ऑप्शन ए, वस्तुनिष्ठ में। क्वेश्चन नंबर 8, कुंडर रिचडर्सन फॉर्मूला क्या ज्ञात करने के लिए बनाया गया है? ऑप्शन बी, विश्वसनीयता, बिलीव्स, आपका बिलीफ जो होता है उसके लिए बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर आपका 9, ग्राफीय निरूपण में वाई अक्ष में अभिप्राय है, वाई अक्ष अभिप्राय है? ऑप्शन ए, खड़ी रेखा। क्वेश्चन नंबर 10, शैक्षिक सत्र के अंत में किस प्रकार का मूल्यांकन किया जाता है? ऑप्शन बी, योगात्मक। क्वेश्चन नंबर 11, माध्यिका द्वारा केंद्रीय परवर्तीय मान ज्ञात करने का प्रभावी मापक किस संकेतात्मक द्वारा प्रदर्शित किया जाता है? ऑप्शन डी, ये सभी। क्वेश्चन नंबर 12, कौन सी चीज अच्छी है और कौन बुरी है, यह कथन किसकी विशेषता को दर्शाता है? ऑप्शन सी, मूल्यांकन। क्वेश्चन नंबर 13, मूल्यांकन का क्या उद्देश्य है? ऑप्शन डी, ये सभी। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सी शैक्षिक मापन की विशेषता है? ऑप्शन बी, इनमें से कोई निरपेक्ष शून्य बिंदु नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 15, परीक्षण निर्माण की वह प्रक्रिया जिसमें शिक्षण उद्देश्य से एक पाठ्य वस्तु के तत्वों को एक मैट्रिक्स पर दर्शाया जाता है, वह प्रक्रिया कहलाती है? ऑप्शन बी, नील परपत्र निर्माण। क्वेश्चन नंबर 16, रो का प्रयोग मापन में किस स्तर पर किया जाता है? ऑप्शन ए, क्रमिक। क्वेश्चन नंबर 17, यदि किसी वर्ग में 8 आवृत्तियां हो तो उसे कौन सी टैली चिन्हों से प्रदर्शित किया जाता है? ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 18, भौतिक मापन में किसका मापन किया जाता है? ऑप्शन सी, ए और बी दोनों, चौड़ाई का और भार का। क्वेश्चन नंबर आपका 19, यदि सहसंबंध 0.87 हो तो इस सहसंबंध को कहा जाता है? ऑप्शन बी, उच्च, हाई। क्वेश्चन नंबर 20, 4 प्रकार के मापन किसके द्वारा दिए गए हैं? ऑप्शन बी, स्टीवेंस। क्वेश्चन नंबर 21, 2 चरों के बीच वह संबंध जिसमें एक चर के घटते हुए मानों का संबंध दूसरे चर के घटते हुए मानों के संबंध से होता है कहलाता है? ऑप्शन डी, धनात्मक सहसंबंध। क्वेश्चन आपका 22, एक समूह पर किए गए परीक्षण का औसत 25.1 तथा माध्यिका 32.8 है तो बहुलक मोड ज्ञात करें? ऑप्शन बी, 48.2। क्वेश्चन नंबर 23, परीक्षण निर्माण प्रक्रिया में सम्मिलित न होने वाला सोपान है? ऑप्शन बी, ऑप्शन आपका बी, परस्ट पोषण। क्वेश्चन नंबर आपका 24, निम्नलिखित पद्धतों का मानक विचलन ज्ञात कीजिए? ऑप्शन आपका डी, 3.74। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित आंकड़ों से बहुलांक की गणना कीजिए? ऑप्शन सी, 34। क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से कौन सा वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न का प्रकार नहीं है? ऑप्शन सी, दीर्घ उत्तरीय। क्वेश्चन नंबर 27, वैधता से आशय है वही मापन जिसका मापन करने के लिए परीक्षण बनाया गया है? ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? ऑप्शन ए, 0.4 × 0.4 = 16, ऑब्वियसली ये गलत है आपका ऑप्शन, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर आपका 29, निम्नलिखित में से कौन सा विचलन का मापक नहीं है? ऑप्शन डी, सहसंबंध। क्वेश्चन नंबर 30, श्रेणी का वह बिंदु जो वितरण के 2 बराबर भागों में बांटता है कहलाता है? ऑप्शन बी, मध्यांक। क्वेश्चन नंबर 31, भाषा के माध्यम के उत्तर में किस प्रकार के परीक्षण में प्राप्त होता है? ऑप्शन बी, शाब्दिक बुद्धि परीक्षण। क्वेश्चन नंबर 32,
मध्यमान गणना की संक्षिप्त विधि में सी आई का क्या होता है? ऑप्शन ए वर्गांतर की लंबाई। क्वेश्चन नंबर 33, मानक विचलन को किस चिन्ह द्वारा प्रदर्शित किया जाता है? ऑप्शन है आपका बी सिग्मा, बड़ा वाला सिग्मा आपका। क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित आंकड़ों में से क्यू डी की गणना कीजिए। स्कोर और आपका एफ दे रखा है और एन आपका 65, सो आपका ऑप्शन है 1.56, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 35, वह बिंदु जहां एक्स तथा वाई अक्ष एक दूसरे को काटते हैं कहलाता है? उद्गम बिंदु। क्वेश्चन नंबर 36, वर्गीकरण संबंधित तथ्यों को व्यवस्थित करके वर्गों में प्रस्तुत करने की प्रक्रिया को कहते हैं, यह कथन किसका है? ऑप्शन बी स्पर एवी स्मिथ का। क्वेश्चन नंबर 37, सांख्यिकी में अंकीय मान के आधार पर आंकड़ों को कितने समूह में विभाजित किया जाता है? ऑप्शन सी गुणात्मक एवं मात्रात्मक दोनों में। क्वेश्चन नंबर 38, किसी परीक्षण की विशेषता विश्वसनीयता का संबंध है? ऑप्शन ए अंकों में स्थिरता से। क्वेश्चन नंबर 39, पद विश्लेषण के अंतर्गत आता है? ऑप्शन सी ए एवं बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 40, उच्चतम एवं निम्नतम अंकों के मध्य अंतर को कहते हैं? ऑप्शन सी प्रसार। क्वेश्चन नंबर 41, मानक विचलन की गणना करते समय पहले हम गणना करते हैं? ऑप्शन सी मध्यमान। क्वेश्चन नंबर 42, शोध में सांख्यिकी क्यों महत्वपूर्ण है? ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 43, शहरों के नाम जैसे बेंगलुरु, लखनऊ, दिल्ली, कोलकाता का प्रश्न किस प्रकार के परीक्षण से संबंधित है? ऑप्शन बी वर्गीकरण पद। क्वेश्चन नंबर 44, कार नंबर प्लेट्स एक उदाहरण है? ऑप्शन ए नामिक पैमाने का। क्वेश्चन नंबर 45, मात्रात्मक मापक की मुख्य विशेषता है? ऑप्शन ए पैरामेट्रिक। क्वेश्चन नंबर 46, शिक्षा जगत में सर्वाधिक उपयोगी मापक है? ऑप्शन बी अंतराल। क्वेश्चन नंबर 47, परीक्षण निर्माण का प्रथम पद क्या होता है? ऑप्शन ए परीक्षण की योजना बनाना। क्वेश्चन नंबर 48, एक क्रिकेट मैच में धोनी 92 रन, तेंदुलकर 90 रन और सहवाग 82 रन बनाए बताए तीनों खिलाड़ियों में मिलकर औसत कितने रन बनाए? ऑप्शन आपका बी 88, औसत उसका 88। क्वेश्चन नंबर 49, बहुलक के लिए जो चिन्ह प्रयोग किया जाता है वह है? ऑप्शन डी जेड। क्वेश्चन नंबर 50, निम्नलिखित में से सही सूत्र का चयन कीजिए। ऑप्शन आपका बी एम ओ इजिकल 3MT-2M। क्वेश्चन नंबर 51, एक मानकीकृत परीक्षण के साथ होता है? ऑप्शन सी ए और बी दोनों, परीक्षण विवरण और जांच कुंजी। क्वेश्चन नंबर 52, मूल्यांकन प्रक्रिया के निर्धारण में कौन सा पद प्रयुक्त है? ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 53, विज्ञान तथा गणित की उपलब्धियों में धनात्मक सहसंबंध का अर्थ है? ऑप्शन बी यदि विज्ञान में उपलब्धि बढ़ती है तो गणित में वह बढ़ती है, गणित में भी बढ़ती है। क्वेश्चन नंबर है 54, अभिवर्ती परीक्षण का प्रयोग? ऑप्शन सी भावी सफल निष्पत्ति में क्षेत्रों को ज्ञात करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 55, किस ग्राफीय निरूपण में कोण को विलुप्त किया जाता है? ऑप्शन ए आवर्ती वक्र, आवर्ती सर्कल। क्वेश्चन नंबर 56, एक व्यक्ति की मानसिक आयु 30 तथा वास्तविक आयु 20 है तो उसकी बुद्धि लंबित होगी। ऑप्शन सी 150। क्वेश्चन नंबर 57, शैक्षिक मापन में किसका मापन किया जाता है? ऑप्शन डी ये सभी। क्वेश्चन नंबर आपका 58, निम्नलिखित आंकड़ों में से मध्यमान की गणना कीजिए। ऑप्शन बी 24। क्वेश्चन नंबर 59, चतुर्थांश में तीन बिंदु हैं जो प्राप्त अंकों के वितरण को चार बराबर भागों में विभाजित करते हैं, किसने कहा है? ऑप्शन बी स्कीनर। क्वेश्चन नंबर 60, बहुलांक ज्ञात कीजिए जब मध्य 42 और माध्यिका 50 है। ऑप्शन सी 66। क्वेश्चन नंबर 61, अवर्गीकृत आंकड़ों में माध्यिका निकालने के लिए किस सूत्र का प्रयोग किया जाता है? और यह आपका ऑप्शन बी n+1=TH term। क्वेश्चन नंबर आपका 62, साक्षात्कार का शाब्दिक अर्थ है? ऑप्शन ए आंतरिक अवलोकन। क्वेश्चन नंबर 63, लंबी विधि से मानक विचलन ज्ञात करने का सूत्र क्या है? ऑप्शन है आपका सी सिग्मा, स्मॉल सिग्मा इजिकल रूड बड़ा वाला सिग्मा एफ डी स्क्वायर अपॉन एन, ऑप्शन आपका सी। क्वेश्चन नंबर आपका 64, बिने बुद्धि परीक्षण के आधार पर एक बच्चे की बुद्धि लंबित 120 प्राप्त होती है, वह बच्चा है --, श्रेष्ठ, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 65, मूल्यांकन अपने आप से एक --, है संदेह। क्वेश्चन नंबर आपका 66, सहसंबंध की गुणन आघूर्ण विधि का प्रतिपादन किया? ऑप्शन सी कार्ल पियर्सन। क्वेश्चन नंबर 67, सहसंबंध दो चरों के बीच पाया जाने वाला गुण है? दिशात्मक।
ऑप्शन ए, क्वेश्चन नंबर 68 मूल्यांकन होता है डैश डैश डैश, ऑप्शन सी ए तथा बी दोनों, वस्तुनिष्ठ और आत्मनिष्ठ। क्वेश्चन नंबर 69 बुद्धि परीक्षण में किस मानक का सामान्य उपयोगी नहीं होता, ऑप्शन बी आयु मानक। क्वेश्चन नंबर 70 मानक विचलन मापक है डैश डैश डैश, ऑप्शन सी केंद्रीय प्रवृत्तियों का। क्वेश्चन नंबर 71 केंद्रीय प्रवृत्ति का मापक कौन सा है, ऑप्शन डी ये सभी। क्वेश्चन नंबर 72 मध्यमान गणना सूत्र m इज इक्वल सिग्मा एफ एक्स अपॉन n में n का क्या होता है, ऑप्शन सी कुल आवृत्ति। क्वेश्चन नंबर 73 स्पीयरमैन क्रमांतर विधि में d क्या प्रदर्शित करता है, ऑप्शन बी दो चरों के क्रमों के मध्य अंतर। क्वेश्चन नंबर 74 रो पी ब्रैकेट ऑफ चिन्ह किस प्रकार भाषा में लिया गया है, ऑप्शन बी लैटिन। क्वेश्चन नंबर 75 यदि हमें किसी मोटरसाइकिल विशेष की बिक्री का औसत ज्ञात करना है तो किस केंद्रीय प्रवृत्ति माप का प्रयोग करें, माध्य, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 76 किसी वर्ग अंतराल का मध्य बिंदु ज्ञात करने का सूत्र है, ऑप्शन बी मध्य बिंदु इजिकल उच्चतम सीमा प्लस निम्नतम सीमा इजिकल टू। क्वेश्चन नंबर 77 सव्य रिपोर्टिंग प्रवृत्तियों में शामिल है, ऑप्शन सी ए तथा बी दोनों, साक्षात्कार और वार्तालाप। क्वेश्चन नंबर 78 रेलवे डिवीजन को संकेत चिन्ह देना किस मापन पैमाने के अंतर्गत आता है, ऑप्शन बी नामिक पैमाना। क्वेश्चन नंबर 79 स्पीयरमैन रैंक अंतर विधि से सहसंबंध गुणांक निकालने का सूत्र है, ऑप्शन आपका डी पी इजिकल वन माइनस सिक्स सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन एन ब्रैकेट ऑफ एन स्क्वायर माइनस वन ब्रैकेट ऑन। क्वेश्चन नंबर 80 सहसंबंध कभी भी ज्यादा नहीं हो सकता, ऑप्शन सी प्लस वन से। क्वेश्चन नंबर 81 क्रामिंग पैमानों का प्राप्त आंकड़ों के निम्नलिखित संख्याओं का प्रयोग कर विश्लेषण करते हैं, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 82 प्रोडक्ट मोमेंट सह संबंध को डैश 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 चिन्ह से दर्शाया जाता है, ऑप्शन सी आर। क्वेश्चन नंबर आपका 83 निबंधात्मक प्रश्न के प्रकार है, ऑप्शन डी ये सभी। क्वेश्चन नंबर 84 निम्नलिखित प्रदत्तों की माध्यिका ज्ञात कीजिए, ऑप्शन सी 23। क्वेश्चन नंबर 85 एक कक्षा के तीन सेक्शन को बुद्धि परीक्षण दिया गया जिसके परिणाम इस प्रकार है, सेक्शन ए आई क्यू है उसका इजिकल 85 एन इजिकल 40, सेक्शन बी है आई क्यू एस का इजिकल 86 एन इजिकल 50, सेक्शन सी है आई क्यू एस का इजिकल 60 एन इजिकल 30। तो कक्षा के तीनों सेक्शन का माध्य क्या होगा, ऑप्शन सी 79.16। क्वेश्चन नंबर 86 माध्यमान विचलन को कहा जाता है, ऑप्शन डी प्रथम निरपेक्ष आघूर्ण। क्वेश्चन नंबर 87 प्रश्नावली को कहा जाता है, ऑप्शन सी साक्षात्कार का लिखित रूप। क्वेश्चन नंबर 88 संचयी आवृत्ति को डैश 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 से दर्शाया जाता है, ऑप्शन डी तोरण। क्वेश्चन नंबर 89 शैक्षिक परीक्षण का तात्पर्य होता है, ऑप्शन सी ए और बी दोनों से। क्वेश्चन नंबर 90 केंद्रीय प्रवृत्तिमान का सर्वाधिक विश्वसनीय मापक है, ऑप्शन ए मध्यमान। क्वेश्चन नंबर 91 रैंक अंतर विधि द्वारा सहसंबंध गुणांक की गणना कीजिए यदि डी स्क्वायर इजिकल 25 और एन इजिकल 5 है, तो ऑप्शन इसका है ए माइनस 0.25। क्वेश्चन नंबर आपका 92 स्तंभकृति से शीर्ष मध्य बिंदु को यदि एक दूसरे से जोड़ा जाए तो उससे बनने वाली आकृति को कहेंगे, ऑप्शन सी आवर्ती वर्क। क्वेश्चन नंबर 93 किस प्रकार के आंकड़े कच्चे माल की भांति होते हैं, ऑप्शन बी प्राथमिक आंकड़े। क्वेश्चन नंबर 94 गिलफोर्ड तालिका व्याख्या करती है, ऑप्शन डी सहसंबंध गुणांक का। क्वेश्चन नंबर 95 खंडित श्रेणी में आकार को भुजाक्ष पर और आवृत्तियों को कोटि अक्ष पर लेकर समंत बिंदुओं को प्रांकित कर मिलाने से जो चित्र बनेगा वह है, ऑप्शन सी आवर्ती बहुभुज। क्वेश्चन नंबर आपका 96 मूल्यांकन के सरलात्मक व आयोगात्मक प्रकार किसने दिए गए, यह आपका ऑप्शन ए, ऑप्शन आपका ए। थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, प्लीज वेट कीजिएगा थोड़ी देर के लिए। आपका है ऑप्शन ए मिशेल स्क्रिवेन। क्वेश्चन नंबर आपका 97 मार्सेल के अनुसार मापन त्रुटियों के प्रकार हैं, ऑप्शन है आपका डी 4। क्वेश्चन है आपका 98 एक शाब्दिक परीक्षण के लिए आवश्यक होता है, ऑप्शन सी ए और बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 99 निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तित्व मापक है, ऑप्शन ए समाजमिति। क्वेश्चन नंबर
क्वेश्चन नंबर 100, निम्नलिखित में से कौन सा निबंध आत्मक परीक्षाओं के प्रभावी बनाने में उपयोगी है? ऑप्शन ए तथा बी दोनों। फ्रेंड्स हम 100 क्वेश्चन सोल्व कर चुके हैं। फ्रेंड्स अगर मेरी कोई भी मिस्टेक्स और गलती लगी हो तो उसके लिए सॉरी। एंड अगर आपको वीडियो और कंटेंट पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट हिट द बेल आइकन। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।